माई नेम इज़ संतोष कुमार एंड माई वाइफ निकिता कुमारी एंड माई बेबी. मेरी वाइफ सिंस बिगनिंग मदर चैतन्य हॉस्पिटल में ही अपना शुरू से ही इलाज करवा रही है और काफ़ी बढ़िया एक्सपीरियंस रहा यहाँ का. मुझे पहले आइडिया नहीं था, मेरे एक फ्रेंड ने सजेस्ट किया था, उनकी वाइफ का डिलीवरी यहीं पे हुआ था मदरहुड चैतन्य में और वह हमारा बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस रहा यहाँ को लेकर के. रिसेप्शन एरिया जो था वो भी बहुत अच्छा था, मतलब आज तक कभी ऐसा नहीं हुआ कि हाँ मतलब आपने है ना अपॉइंटमेंट लेकर के नहीं आया. अगर कभी हमें इमरजेंसी में भी आना पड़ा तो उन्होंने बहुत ही अच्छे से हमें है ना ये मतलब एंटरटेन किया. और फिर हमें हमने यहाँ पे डॉक्टर बबीता से दिखाया. डॉक्टर बबीता बहुत ही अच्छे से है ना वो पूरा चीज़ों को बहुत ही अच्छे से उन्होंने समझाया हमें, पूरे एक एक लाइन डिटेल में हमें बताया. जहाँ कहीं भी मुझे नहीं समझ में आता था उन्होंने बताया. अगर थोड़ी मेरी ना लास्ट टाइम में थोड़ी सी कॉम्प्लिकेशन हो गई थी एक्चुअली ब्लड की, बट मैम ने बहुत ही ज़्यादा ना ये बोला कि नहीं आप कर लोगे, आपसे हो जाएगा बहुत ही अच्छे से. मतलब बहुत अच्छा से मोटिवेट किया इनको, पता भी नहीं चलने दिया और सारे कुछ इतना ईजी वे में हो गया कि कुछ भी हम लोगों को कभी कहीं किसी तरीके से डिफ़िकल्टी नहीं हुई. और यहाँ पे जब आया था तो बिल्कुल क्लीनिंग है, स्टाफ बहुत अच्छे हैं, मतलब बिल्कुल घर की तरह लगता है कि मैं एक अपने घर में हूँ. और इस तरीके से प्रॉपर यहाँ पे खाने की जो है वो हमारे यहाँ ऑलरेडी कैंटीन है जहाँ से वो फूड प्रोवाइड करते हैं, बिल्कुल एकदम से जैसे लेस स्पाइसी जैसे चाहिए उस तरीके से वो प्रोवाइड करते हैं. एक्सरसाइज क्लासेज है, क्योंकि उसमें एक्सरसाइज क्लास में डॉक्टर अरविंद मैम बहुत ही अच्छे से उन्होंने समझाया कि है ना कौन से एक्सरसाइज क्या किस वीक में करने चाहिए, कौन से एक्सरसाइज करने से जो है आपको ये लेबर पेन में जो है रिलीफ मिलेगा, क्या उस एक्सरसाइज के पूरे इम्पोर्टेंस उन्होंने बताया बहुत ही अच्छे से उन्होंने बताया. मैंने स्टार्टिंग से लेकर के पूरे लास्ट तक उनके है ना ये सेशंस लगाए थे. फिर काउंसलिंग सेशन भी होते थे वो डॉक्टर अरविंद करवाते थे, फिर दूसरे अदर डॉक्टर्स भी करवाते थे. तो ये जो एक्सरसाइज क्लासेस था काउंसलिंग क्लासेस था ये बहुत ही ज़्यादा अच्छा था. प्लस यहाँ की पैंट्री जो है वो बहुत ही अच्छी है, मतलब तो लेस स्पाइसी और टाइम टाइम पे आपको हर कुछ आ जाएगा आपके डाइट के अकॉर्डिंग. तो वो चीज़ मुझे यहाँ का बहुत अच्छा लगा. फिर यहाँ अगर मैं बात करूँ अपने लेबर रूम की तो वो मेरे लिए एक्सपीरियंस बहुत ही अच्छा था, क्योंकि मैंने मतलब ये चीज़ सुन के नहीं रखा हुआ था, बट यहाँ मैंने देखा वो चीज़ एक डोला आंटी का. वो मुझे लेबर रूम में वो मुझे पूरे एकदम पूरा सपोर्ट कर रही थी, पूरे मसाज मुझे दे रही थी. वो मुझे बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगा, क्योंकि एक अगर आपके साथ कोई फैमिली मेंबर ना भी हो तो यहाँ आपके कोई भी स्टाफ ऐसा लगेगा नहीं कि यहाँ कोई आपके फैमिली मेंबर नहीं है. इन्होंने पूरे एकदम अच्छे से जो है जो फैमिली मेंबर होते हैं वैसे पूरे ख्याल रखा इन्होंने मेरा. बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस था ओवरऑल, बहुत बढ़िया रहा मदरहुड चैतन्य में. तो मैं भी यही चाहता हूँ कि अगर आप लोगों को मौका मिले तो ज़रूर विजिट करें चैतन्य मदरहुड चैतन्य हॉस्पिटल. हमारा बेबी है.